हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11 क्लास के बच्चों के साथ। तो हमारा टॉपिक जो है वो फेडरलिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म। हम बात करेंगे कि वो कौन से फीचर्स हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनके मुताबिक इंडिया जो है, इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज ए फेडरल गवर्नमेंट। जैसे हमने बात की थी कि इंडिया इज़ नाइदर दिस फेडरल गवर्नमेंट और नॉट ए यूनिटरी गवर्नमेंट, इट लाइज बिटवीन द टू। यहाँ पे ये ना ही फेडरल है और ना ही ये यूनिटरी है। मीन्स यूनिटरी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को देता है। इन यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स द पावर इज गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव पावर्स टू द नेशनल गवर्नमेंट एंड देन नेशनल गवर्नमेंट कैन क्रिएट सम, कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। दिस यूनाइटेड दिस नेशनल गवर्नमेंट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्रिएट द रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स वो रीजनल तौर पर जो है वो करती है, इनके स्टेट्स बनाती है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द दोज। वो सिर्फ अपने तरीके से देती है। और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का है तो फेडरल गवर्नमेंट में जो है देयर टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स आर एकोमोडेटेड इन, एकोमोडेटेड मीन्स द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारा इंडिया जो है इट इज डिक्लेयर्ड, व्हाट मेक्स, हमने पढ़ा व्हाट मेक्स इंडिया एज ए फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। तो वी हैव टू डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कौन सी चीज़ है जो इंडिया को जो है वो फेडरल कंट्री डिक्लेयर करती है। इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, देयर द वर्ड इज नॉट यूज बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ तक जो है हमारी स्टेट्स जो हैं, हमारा इंडिया जो है इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट और वो जो पावर्स दी गई हैं इट इज़ ए फेडरल स्टेट। बिकॉज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट एज डिस्कस्ड यस्टरडे, कि वहाँ दो तरह के पॉलिटिक्स होती हैं, एक सेंट्रल लेवल की होती है, एक स्टेट लेवल की होती है, फिर आइडेंटिटी प्रूव करनी है एक स्टेट लेवल की, दूसरी जो है वो रीजनल गवर्नमेंट, एक तो स्टेट लेवल की करनी है, दूसरी सेंट्रल, एक तो इंटरनेशनल करनी है, एक रीजनल करनी है। मींस ऑल दिस इज इन अवर इंडिया, ये तो है, लेकिन जो है इंडिया जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हम अभी जो है अभी के ये जो हम फीचर्स पढ़ेंगे जो डिक्लेयर करेगा कि वो फीचर्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फीचर्स तो वो फीचर्स इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। लेकिन कुछ हमने आगे जो पढ़ने हैं यूनिटरी फीचर्स, फीचर्स ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट मीन्स दे आल्सो, दोज आर आल्सो एप्लीकेबल टू अवर इंडिया, इंडिया के ऊपर वो भी एप्लीकेबल है। कहीं ना कहीं इंडिया में व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यूनिटरी गवर्नमेंट दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू अवर इंडिया मीन्स सर्टेन इन दैट सम प्लेसेस दोज आर आल्सो फॉलोड। तो सो वी कैन से दैट इंडिया इज नाइदर ए फेडरल गवर्नमेंट नॉर ए यूनिटरी गवर्नमेंट। हियर आर सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल आर लाइक
that we can say it is a federal government and there are certain principles, we have kuch aise bhi usool hain on the basis of which we can say that India is a unitary government. But neither it is included in the unitary government or not in the federal government. It is a quasi-federal. इसको अलग अलग नामों से इन बिटवीन द टू क्वासी फेडरल और नामों से इनको वी विल डिस्कस लेटर. और जहाँ तक हम पहले बात करेंगे कि वो कौन से हैं, सबसे पहले जो है हियर जो है यहाँ पे थ्री टाइस जो है वो इट इज ए थ्री टाइस गवर्नमेंट. नंबर वन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल गवर्नमेंट, वी कैन फर्स्ट इट इज देयर आर इट इज देयर इज थ्री टायर गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल स्टेट एंड लोकल. सेंट्रल स्टेट एंड लोकल नंबर वन. यहां पे थ्री टायर्स की गाड़ी है, मीन्स इट इज थ्री व्हीलर. इट इज ए थ्री व्हीलर मीन्स सेंट्रल स्टेट एंड लोकल. लोकल बॉडीज भी होती हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्रॉस रूट लेवल की, देयर इज ए क्रिएशन ऑफ लोकल बॉडीज एट विलेज लेवल. मीन्स दैट कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेक ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट स्टेट. मीन्स लोकल गवर्नमेंट्स आर देयर आर क्रिएटेड एट द ग्रास रूट लेवल, जहाँ पे पंचायत राज वगैरह वगैरह जहाँ की लोकल का इन्वॉल्वमेंट होता है. एक तो सेंटर है, देन देयर इज अ स्टेट, बट सम टाइम बट इन आवर इंडिया देयर आर सम लोकल बॉडीज विच कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. सो वी कैन नॉट से दैट दिस इंडियन गवर्नमेंट इज ए टू व्हीलर. ये टू व्हीलर है कहीं, ये इसके दो टायर हैं, नहीं, देयर आर थ्री व्हीलर्स. In our Indian government, there are three wheelers. Means the government is at the central level. हमारी central government है, national government है. Then comes regional, the state level. Then there are some local bodies. हमारी हमारी जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे पंचायत राज अदारे हैं वगैरह वगैरह, लोग म्यूनसिपलिटी है, ये सारे जो हैं इनमें हेल्प करते. Then each government has its jurisdiction. स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो हमारी स्टेट है सेंट्रल लेवल की है, इट हैव ऑल दीज हैव इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन. आवर ज्यूरिसडिक्शन है हर के, मीन्स उनका आता है, उनका फील्ड है, इनका अपना दायरा इख्तियार है कि वो कहाँ तक उनका फील्ड कहाँ तक है. सपोज हमने बात की कि सेंट्रल लेवल का कहाँ तक है, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, वो अपनी पावर्स को कहाँ तक चलाते हैं, कहाँ तक हमारी स्टेट लेवल की पावर है, क्या वो सेंट्रल लेवल का कोई डिसीजन ले सकता है. जिस तरह से हमने पढ़ा कि द पावर्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड सेंट्रल, बट द पावर्स आर लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड, उनका दायरा अख्तियार है. What is under the influence of central government that cannot flaunt those limits, because limits are there. And one under the influence of state governments, there are certain work, certain policies, certain rules which these regional governments have to perform. Means there is a area of the influence which is under the jurisdiction of a regional government, state government, that will not flaunt those rules. Means हमने इनको डिवाइड किया है, हम अभी और भी करेंगे कि इनका जो गवर्नमेंट है इनके आवन jurisdiction है, आवन jurisdictions हैं which are specified by the constitution, by the कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं इनको स्पेसिफाइड किया है. इनका आईन ने इनको अपनी ज्यूरिस्डिक्शन दी है, कहाँ तक इनका एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस है, कहाँ तक वो अपना काम
कर सकते हैं, मींस दे के नॉट फ्लॉन्ग दोज, वो उसको जो उनके दायरे के अंदर है, उनके इन्फ्लुएंस के अंदर है, वही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। देन ये जो है इनका, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, वहाँ पे सब्जेक्ट्स थ्री हैं, वन इज यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, देन कम्स स्टेट लिस्ट, देन कम्स कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। नंबर वन हो गया यूनियन लिस्ट, नंबर टू हो गया स्टेट लिस्ट, एंड नंबर थ्री इज कंकरेंट लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट से, जहां तक यूनियन लिस्ट का सवाल है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यहां तक यूनियन लिस्ट की बात है, यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ, इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है डिफेंस है, डिफेंस है, करेंसी है, डिफेंस है, करेंसी है, फिर नेक्स्ट जो है बैंकिंग है, एंड कम्युनिकेशन है एटसेट्रा, बहुत सारे दूसरे, दीज आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस। डिफेंस जहां तक सवाल है कि हर कंट्री जो है, इंडिया विच इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, मींस ईच स्टेट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट ऑथराइज टू मेक द फॉरेन अफेयर्स, कि कोई स्टेट जो है वो अपने तरीके से किसी दूसरे ममालिक के साथ जो है वो राता करे, या वो किस किस्म का डिफेंस अपनी स्टेट के ऊपर रखे, इट इज नॉट अप टू द, बिकॉज इट कम्स इन द, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द डिफेंस, एज द डिफेंस ऑफ द स्टेट इज कंसर्न, एज द डिफेंस ऑफ ए कंट्री इज कंसर्न, एज द डिफेंस ऑफ विलेज, डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दिट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करो, कोई भी एरिया जो है विच कम अंडर द डिफेंस स्टेट, किसी स्टेट का हिस्सा है, वेदर दैट इज ए, वो कुछ स्मॉल एरिया है, कोई विलेज है, बट एज फार एज द डिफेंस ऑफ दैट विलेज इज कंसर्न, दैट इज दैट कम्स अंडर द नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कोई उस स्टेट की बात नहीं है, उस विलेज की बात नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मुल्क की है, वो सेंट्रल इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट हाउ द डिफेंस ऑफ दैट विलेज इज डन, कैसे किया जाएगा, उसमें कैसे पीस लाया जाएगा। तो मींस ये जो है डिफेंस, जहाँ तक बात है, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो है, फिर देन कम्स कंसी, वो किस किस्म का पैसा रखे, डॉलर रखे, वो यूरो रखें, किस किस्म की करेंसी रखनी है, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ए, दिस इज, इट इज ए स्टेट, दिस सेंट्रल लिस्ट, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है कि करेंसी किस किस्म की हो, फिर बैंकिंग सिस्टम क्या हो, ये ऑल ओवर वे यूनिवर्सल बनाने के लिए बैंकिंग क्या हो, और मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किस किस्म का हो, इट दीज आर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनियन लिस्ट, मींस ये उस तक है, एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यूनियन लिस्ट। देन कम्स, फिर आता है स्टेट लिस्ट, फिर आता है सेकंड इज, ये जो है दीज आर द फीचर्स
which can make India as a federal. ये इस तरीके कारण जो है कि पावर सेंटर को दी जाती है, इसमें डिफेंस है, करेंसी है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, दीज आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दिस कम अंडर द यूनियनिस्ट, सो इट मेक्स द इंडिया दैट इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट. देन कम्स ए स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस. रीजनल इंपॉर्टेंस जो हमारे रीजनल इंपॉर्टेंस में आते हैं वो स्टेट लिस्ट के. लोकल इंपॉर्टेंस हम रीजनल बोलें या लोकल इंपॉर्टेंस, जिसमें लोकल इंपॉर्टेंस है मीन स्टेट के अंदर ही, तो इसमें हमारा जो है पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, फॉर एग्जांपल पुलिस है, ट्रेड है, फिर हमारी ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन सिस्टम है, नॉट ओनली दिस इट इज जी, और भी ये बहुत सारे होते हैं. दीज आर द रीजनल इम्पॉर्टेंस, ये नेशनल लेवल के नहीं बट दे आर ऑफ रीजनल इम्पॉर्टेंस. लोकल किस स्टेट के अंदर किस तरह का जो है वो सिस्टम होना चाहिए, एज फार एज एग्रीकल्चर है, इरीगेशन सिस्टम है, कहीं पे हमारा नेचुरल इरीगेशन सिस्टम है, एज फार एज द इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में जो है वेरी करते हैं, वन स्टेट वेरी फ्रॉम अदर विद द कंसर्न ऑफ वेदर कंडीशंस, इसमें जो भी वेदर जो है डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग है, कहीं पे इरीगेशन सिस्टम जो है नेचुरल वे से होता है, कहीं पे जो है हम बारिश का सहारा लेते हैं, कहीं पे पंप के जरिए से होता है, कहीं पे दूसरे दूसरे तरीके के होते हैं. वी आर विल नॉट डिस्कस रिगार्डिंग दैट, बट वी कैन से दैट डिफरेंट इरीगेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट मीन्स, कहीं पे एक वन मीन से होता है, सेकंड में दूसरे मीन से होता है, इट इज ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, सो इट कम ऑल दिस. जहाँ तक पुलिस किस किस्म की रखे, पुलिस को पुलिस फोर्सेस को कैसे वो रखे, सिविल पुलिस जो स्टेट के अंदर है वो किस तरह से उनको रखे, कैसे काम चलाएं, और इरीगेशन कैसे हो, यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा हो, ये जो है यहाँ का ट्रेड कैसे, व्यापार यहाँ का कैसे हो, कैसे चीज़ों को बेचे, कहाँ से लाएं, क्या करें, इट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट लिस्ट. सो ये जो है स्टेटिस्टिक कर सकती है, इसमें हमारी सेंटर का कोई नहीं है. तो दीज आर द पावर्स, ये जो हमारी पावर्स हैं स्टेट लिस्ट के, और ये हमारे सब्जेक्ट से विच आर इंक्लूडेड इन द इन दिस स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स विच हैव द रीजनल इंपॉर्टेंस एंड दे कम अंडर द स्टेट लिस्ट, सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द रीजनल गवर्नमेंट to solve all those, to make rules and regulation for all those departments, all those subjects which come under the this state list. Then there are concurrent lists. Then comes concurrent list. Third part है concurrent list. Concurrent lists. तो concurrent list यहाँ तक जो है कहीं पे इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटर का और इन दोनों में कॉमन होता है, मींस इसके हित में भी है, सेंटर के हित में भी है और स्टेट के हित में भी है, मींस इट इज कॉमन फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, बोथ द रीजनल, बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर विलिंग टू डू दैट, दे but the things, the subjects come under the influence of both the government. It means it is the responsibility of both the governments to undertake the issue. Is aise masle, for example, hum keh sakte hain ki jaise education hai,
जैसे एजुकेशन है, हमारा तालीम का निज़ाम है, तो इसमें जो है इट कम्स बोथ इन एजुकेशन सिस्टम, ये जो है ये दोनों के हित में है, ये बिल्कुल सेंट्रल भी और स्टेट में भी दोनों में जो है दोनों के दिस सब्जेक्ट इज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एज वेल एज रीजनल इम्पॉर्टेंस एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री इज कंसर्न. इट इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस बट इट अलॉन्ग विद द नेशनल इम्पॉर्टेंस इट इज़ द इट इज सब्जेक्ट ऑफ रीजनल इम्पॉर्टेंस टू. सो इट मे बी इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट दैट इट हैज़ ए रीजनल इम्पॉर्टेंस एज वेल एज ए नेशनल इम्पॉर्टेंस. सो इट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट. सो हमारे अब जो है नेक्स्ट कम रेजुडरी लिस्ट, एक जो है फोर्थ वन जो है रेजुडरी डेरी लिस्ट. फिर अब इट इंक्लूड्स, ये जो आता है ये उनमें आता है इट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज, जो अभी तक हमने बात की कि कौन सा सब्जेक्ट नेशनल इम्पॉर्टेंस का है वो नेशनल लिस्ट में आएगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रीजनल इम्पॉर्टेंस का है वो इसमें आएगा, कौन सा सब्जेक्ट बोथ वो जो है रीजनल इम्पॉर्टेंस का भी है और स्टेट इम्पॉर्टेंस का भी है, दैट इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट. एंड देन देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर नॉट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट, मीन्स दैट इज नॉट इन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस नॉर इन द सब्जेक्ट ऑफ ए रीजनल इम्पॉर्टेंस, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज फ्रेम्ड दीज इशूज कम आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जब हमारा आइन बन गया तो आइन बनने के बाद बहुत सारे इशू आ गए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए. सब्जेक्ट्स मीन्स होता है कोई चीज़, कोई एक जिसे कोई भी इशू है, सब्जेक्ट मीन्स इशू, कोई भी इशू जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स आए, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिलेबस, या हमारा इसका जो है जहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है इट इज़ ए न्यू सब्जेक्ट, ये नया इशू है और ये जो है ये 10 साल से पहले हमारा जहाँ तक मोबाइल या टेक्नोलॉजी का जो भी है सिस्टम ये जो है इट इज़ रिसेंट, ये तब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आईन बना था, संविधान बना था, उस समय ये नहीं आया था. और फिर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये किसी में भी ये सब्जेक्ट इशू नहीं, इसकी इम्पॉर्टेंस आप ले लो तब ना थी स्टेट में, ना थी नेशनल लेवल पे, ना ही थी कंकरेंट पे. सो ये इशू जो है ये इनमें रेजुडरी लिस्ट में आते हैं, जिस तरह से ये जो है ये इनका वो चीज़ें जो जब हमारा आइन बना था उस समय ये नहीं थी, लेकिन अब इनका इम्पॉर्टेंस है, अब इनका इनको इसमें इस सिलेबस में इस कंट्री के इस प्रोसेस में इस निज़ाम में इस सिस्टम में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी आस्पेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एज फार एज ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कंसर्न, दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच द होल यूनिवर्स इज ए ग्लोबल यूनिट वट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन सिट इन द रूम एंड वॉच द टी वी ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन सी वट एवर इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ होता है क्या होता है, चाहे वो कोसो मील हमसे दूर हो बट वी कैन वॉच ऑन देयर इज ए सोशल मीडिया, अभी
क्या हो जाता है कहीं पे, तो इट इज़ ए रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट कैन अपडेट एवरी सिटीजन ऑफ दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। किसी भी मुल्क का कोई भी सिटीजन है, कोई भी आदमी है, चाहे ये गवर्नमेंट लेवल का है, चाहे सिविलियन है, जो भी है, एवरीवन इज रिलेटेड, एवरीवन इज इन कनेक्शन विद द सोशल मीडिया, सो दैट ही मे बी अवेयर रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन आवर कंट्री ओनली बट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो हमसे बहुत दूर है, जहाँ पे हमारा जाना नामुमकिन है। वी कैन सी, इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट वी कैन सी व्हाट इज गोइंग एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब समंदर हम देखते हैं, डिस्कवरी चैनल में आप देखते हो कि समंदर के जो है इसके बॉटम पे क्या है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमको वहाँ का नॉलेज मिलता है हमको। सब मैरीन है, वन हमारे बड़े बड़े जहाज समंदर के अंदर चले जाते हैं, वो जो है व्यू देखते हैं, देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी, देयर इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प, दे कैन मेक द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दे कैन व्यू कि बाहर क्या हो रहा है, दे आर अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के नीचे है, बट व्हाट इज गोइंग ऑन अबव द सरफेस ऑफ वाटर, क्या होता है दे आर वाले और आप, बिकॉज इट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच कैन, इसका रोल है। और जिस समय हमें संविधान बना था उस समय इसका कंसेप्ट तक नहीं था, और जो है इसीलिए ये किसी लिस्ट में नहीं आता है। तो दीज वर ये जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ फीचर्स थे, जिनके बिना पर हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है दैट इज़ ए फेडरल कंट्री, दैट इज़ ए फेडरल कंट्री। नाउ दिस इज एनफ फॉर टूडेज टॉपिक, नाउ टुमारो विल कम, हम विल स्टडी द यूनिटरी फीचर्स, अब हम पढ़ेंगे वो खसूसियात, वो कैरेक्टर्स, वो किरदार जो यूनिटरी गवर्नमेंट के होते हैं, एंड दोज कैन आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन अवर इंडिया, मीन्स इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया हमारा ना ही फेडरल है और ना ही इट इज़ ए कॉसी फेडरल, ना ही यूनिटरी है ना ही ये है, क्योंकि कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और कुछ यहाँ पे, दीज वर दी, ये हमारे कुछ ऐसे हैं जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि दीज आर दी फीचर्स, दीज वर दी सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल आर दी स्टेट इम्पॉर्टेंस विच कैन मेक अवर इंडिया एज ए फेडरल गवर्नमेंट। तो अब हम, दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।